नैनीताल पर टूटा भारी बारिश का कहर, मालरोड तहते दरिया जैसे हालात। मूसलाधार बारिश के बीच मालरोड पर तेज बहाव के साथ बहता दिखा दरिया, बहाव में बचकर निकलने की कोशिश करता दिखा एक जोड़ा। नैनीताल में 40 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ा झील का स्तर, 12 इंच गेट खोलने के बाद रिहायशी इलाके में आई आफत। बाजार में रफ्तार से बहते दरिया में डूब गए तमाम वाहन, तेज बहाव में पलट गए तमाम दो पहिया वाहन। नैनीताल के रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर 1,40,000 क्यूसेक से अधिक हुआ, नजदीकी इलाका खाली करा रहा प्रशासन। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में भूस्खलन और उफनते संकट, लामबगड़ में अफनाते नाले में फंसी यात्रियों से भरी गाड़ी, जेसीबी से खींचकर निकाली गई गाड़ी में बैठे सभी यात्री सुरक्षित। ऋषिकेश में गंगा का दिखा रौद्र रूप, शिव की प्रतिमा का स्पर्श करते हुए बह रही गंगा। गंगा के उफान से ऋषिकेश में तमाम घाट हुए जलमग्न, सावधानी वश तैनात की गई जल पुलिस। सोनप्रयाग में जंगल चट्टी के पास फंसे यात्रियों को किया गया रेस्क्यू, एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचाया, केदारनाथ के दर्शन के बाद कर रहे थे वापसी। मूसलाधार बारिश के बीच एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने जंगल चट्टी पे फंसे 22 श्रद्धालुओं को निकाला, ठंड से बीमार पड़ी महिला को स्ट्रेचर पर किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड में लगातार बारिश, नैनीताल के तल्ला रामगढ़ में बादल फटे, 9 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, नदी किनारे 5 घर बह गए। लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर, चमोली में नंदाकिनी नदी उफान पर, रुद्रप्रयाग में जंगल चट्टी के पास फंसे थे यात्री, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। केदारनाथ से वापस आ रहे थे 22 यात्री, गौरीकुंड लाए गए यात्री। बारिश और बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, तुंगनाथ और मदमहेश्वर में भी तीर्थयात्रियों का जमावड़ा। उत्तराखंड में कुदरत की कहर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आलात का लिया जायजा, अधिकारियों से की बातचीत। गंगोत्री धाम में अचानक शुरू हुआ बर्फबारी का सिलसिला, शीतलहर से कांपने लगे लोग। टिहरी में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से बढ़ा संकट, ऋषिकेश में रोके गए चार धाम यात्रा पर जा रहे यात्री। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद बरसाती नाले में उफान, खौफ में घर छोड़कर बाहर आए ग्रामीण। हल्द्वानी में गुलशुद्ध मंदिर के पास तेज बहाव में फंसी कार, आसपास के लोगों ने दो युवकों को बचाया। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत, रामनगर के बरसाती नाले में फंसी मर्सिडीज ट्रैक्टर की मदद से ग्रामीणों ने बाहर निकाला। उधम सिंह नगर के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे पुलिसकर्मी। आजमगढ़ में एक दुकान के पास जमीन धंसने की लाइव तस्वीरें आई सामने, भारी जलभराव की वजह से दलदल में तब्दील हुई जमीन। अमरावती में भारी बारिश की वजह से फसल तबाह, डीएम कार्यालय पर सोयाबीन जलाकर मुआवजे की मांग। भारी बारिश के बीच उत्तरकाशी में भी रोकी गई चारधाम यात्रा, बटकोट और गंगोत्री मार्ग पर रोके गए यात्री। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के रामनगर में नाले में उफान, दोनों तरफ फंसी नजर आई सैकड़ों गाड़ियां। उत्तराखंड में 3 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट, सभी 13 जिलों में चेतावनी जारी, कई जिलों में 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद। कोच्चि में बारिश की वजह से डैम में भरा पानी, खोले गए 2 गेट। उधमपुर में डेंगू का बढ़ा कहर, 6 नए मरीज सामने आए। केरल के अलापुजा से सामने आई बेहद दिलचस्प तस्वीरें, शादी के लिए मंदिर तक पहुंचने में बड़े बर्तन की ली गई मदद। शुभ मुहूर्त में शादी करने पहुंचे मंदिर, 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से मुश्किल। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, सोनमर्ग और गुलमर्ग में पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। हल्द्वानी में गोला रिवर पर कहर, पुल पर हुआ कटान, गाड़ी आती देख एक शख्स ने आवाज लगाकर किया आगाह। उत्तराखंड में भी शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, जगह जगह फंसे हुए हैं चारधाम के श्रद्धालु। जोधपुर में एक पुलिसकर्मी के कानून का पालन नहीं करने पर, कानून बनाने वाले उसे धमकी देने पर उतराए। पुलिसकर्मी का गुनाह इतना कि उसने शराब के नशे में धुत विधायक के भतीजे का चालान काटा था। भतीजे का चालान काटे जाने की खबर मिलते ही कांग्रेस विधायक मीना कंवर अपने पति उमेद सिंह के साथ थाने धमकी देने पहुंच गई।
पे। बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया, रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। बच्चे विधायक महोदया के पति तो और गुस्से में आ गए, पहले तो कुछ दिन पहले पुलिसकर्मियों के निलंबन का हवाला दिया, फिर बेवजह कहने लगे कि एमएलए को जेल भेजोगे तो मैं तुम्हारी माँ को जेल भेज दूंगा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मौत, बीजेपी ने हत्या का लगाया आरोप, बंद का किया आह्वान। मधुरी के श्योपुर में एक महिला से हुई दरिंदगी, लिफ्ट के बहाने कार चालक ने किया अगवा, चार दिन तक बंधक बनाकर किया रेप। आरोपी युवक ने चार दिन बाद पीड़ित महिला को दोस्त के घर छोड़कर हुआ फरार, आरोपी दोस्त ने भी महिला के साथ किया बलात्कार। औरंगाबाद में शिक्षक के दरिंदगी भरे हत्याकांड में पकड़ा गया नाबालिग लड़का, पहले डंबल से सिर पर वार कर शिक्षक की हत्या की, बाद में काटा था गला। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को भेजा बाल सुधार गृह, वीडियो गेमिंग से जुड़ रही है अपराध की गुत्थी, नाबालिग के मोबाइल से मिले तमाम ऐसे खेल के सुराग। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बीच दिल्ली में अमित शाह की बड़ी बैठक, आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृहमंत्री ने की माथापच्ची। 23 अक्टूबर को जा सकते हैं कश्मीर घाटी, अमित शाह एलजी डीजीपी आईबी और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आउटरीच प्रोग्राम के तहत कश्मीर घाटी जाएंगे गृहमंत्री, टारगेट किलिंग के बीच अमित शाह का दौरा बेहद अहम। जम्मू कश्मीर के 11 इलाकों में बंद की गई इंटरनेट सेवा, आतंकी हमलों से निपटने के लिए प्रशासन ने उठाए एहतियाती कदम। लगातार आतंकी हमलों से कश्मीर घाटी में दहशत का माहौल, घरों को लौटने लगे दूसरे राज्यों के मजदूर। बिहारी मजदूरों पर आतंकी हमले को लेकर नीतीश कुमार ने जताई चिंता, कहा उम्मीद है जल्द सुधरेंगे हालात। अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। घाटी में बिहारी मजदूरों की हत्या को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले बिहारियों के हवाले करो जम्मू कश्मीर। आतंक तो यदि हालात काबू से बाहर जा रहे जाने की स्थिति में अगर हम बिहारियों पर कश्मीर का छोड़ दें तो हम लोग उसको सेटल कर लेंगे। आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान कंप्यूटर बाबा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बाबा ने लगाया साजिश के तहत एक्सीडेंट करवाने का आरोप। यूपी के पीलीभीत में दो हफ्ते से नहीं तुल रहा धान, परेशान किसान ने क्रय केंद्र पर की आत्महत्या की कोशिश। नोएडा में तीनों प्राधिकरणों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर लगाया जाम। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के खिलाफ आसनसोल में प्रदर्शन, विरोध सभा में तो आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। खरगोन में छात्रा ने फिल्मी स्टाइल में सहपाठी छात्र को मारा चाकू, 1000 की उधारी को लेकर बढ़ा विवाद। झारखंड के गढ़वा जिले में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप, 11 अक्टूबर को हुआ था अपहरण, पुलिस को अभी तक नहीं मिला आरोपियों का सुराग। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान की बेरहमी से हत्या, पुरानी रंजिश में हुई वारदात। महाराष्ट्र वाशिम में 1 टन से ज्यादा गांजा बरामद, करीब 4.25 करोड़ के खेत के साथ 4 लोग हिरासत। ग्रेटर नोएडा में 2 घंटे में 3 वारदातों से सनसनी, सूरजपुर गोलचक्कर के पास ट्रैफिक हवलदार का अपहरण, अजायपुर चौकी के पास फेंका। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में ग्राम प्रधान के अपहरण की कोशिश नाकाम, गांव वालों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंपा। लखनऊ में रिंग रोड पर खड़ी बस में लगी आग, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बोरिंग के दौरान पानी की जगह निकली आग, बोरिंग मशीन जलकर खाक। लखनऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर दूध से भरा ट्रक पलटा, गांव वालों ने मचाई लूट। सूरत में एक पैकेजिंग यूनिट में भीषण आग, 2 मजदूरों की गई जान, 15 लोग घायल। मुरादाबाद में गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में लटका मिला मेडिकल छात्रा का शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। निवास में बीमार महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर चारपाई बांधकर पहुंचाया अस्पताल। महिला को बाइक पर बंधी चारपाई से अस्पताल पहुंचाने का वीडियो हुआ वायरल।
गुरदासपुर में एक युवक पर 8 साल के अपने ही भांजे के कत्ल का आरोप, फरार मामा की तलाश में जुटी पुलिस। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे से महंगी हुई फल सब्जियों के दामों में और इजाफा, बारिश से बर्बाद हो रही फसल से बढ़े दाम।